हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फ्लैक्स सीड की चटनी। इसमें ड्राई फ्रूट से भी ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है, जो बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बॉडी को हेल्दी रखता है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्लैक्स सीड की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लैक्स सीड। मैं इसे हाफ कप ले रही हूँ। इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लें। मैं यहाँ रोस्ट फ्लैक्स सीड ले रही हूँ। तिल, सेसमी सीड, इसे 2 चम्मच लेंगे। इसे भी मैंने रोस्ट करके ले लिया है। इसके अलावा 1 बड़ी चम्मच नारियल का पाउडर लेंगे। मूंगफली, मैं यहाँ 2 चम्मच रोस्ट मूंगफली ले रही हूँ। काली मिर्च, मैं यहाँ 4 पीस काली मिर्च ले रही हूँ। चटनी की क्वांटिटी कम है, इसलिए मैं इसे 4 पीस ही ले रही हूँ। लाल मिर्च 2 पीस और गार्लिक लेंगे 4 पीस। अब एक ग्राइंडर में सभी चीज़ों को डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। फ्लैक्स सीड, तिल, मूंगफली, नारियल पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च, गार्लिक, इसमें नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, काला नमक थोड़ी सी। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस चटनी को आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखें। इसे 15 दिन से 1 महीने के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। ये देखिए, फ्लैक्स सीड की सूखी चटनी बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। इसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।